सिर्फ एक वायरस ने 2 साल पहले इस दुनिया में क्या कुछ किया हम सब ने देखा। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है, लेकिन इमेजिन की एक नहीं, दो नहीं, 5 और 10 भी नहीं, अगर टोटल 13 ज़ॉम्बी वायरस रिवाइव हो गए और वापस जाग गए तो क्या कुछ होगा। खैर, इमेजिन या कल्पना करने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ, मुसीबत दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही है। The researchers who have revived a number of these zombie viruses, as they're now being called, have found the potential revival of viruses could infect animals or humans. In Siberia, mein research ke dauran is zombie virus ka pata chala hai. Ye virus 48,500 saal se bhi zyada purana hai. Roos ki ek barf ki jami hui jheel se zombie virus decode kiye gaye hain. Kal, yani 30 October ko ज़ॉम्बी वायरस हर जगह ट्रेंड कर रहा था। न्यूज 18, NDTV और इवन ANI जैसी रिप्यूटेड न्यूज एजेंसीज ने भी इसे कवर किया था, और ट्विटर पर तो ये टॉप 5 में ट्रेंड कर रहा था। और हो भी क्यों ना, ज़ॉम्बी वायरस जो रिवाइव कर गया है जिससे हम आप सब ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं। हाँ, नॉट एग्जैक्टली हाउ वी सीन मूवीज, बट उससे ही कुछ मिलता जुलता सा। अब यू मे वंडर कि मनबुद्धि तू हमें ये सब क्यों बता रहा है, तो यार वीडियो पूरी देखना, इसमें मैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और थोड़ी दिल की बातें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कल आपके ऐसे कमेंट्स में बदल गए, ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। तो 2 साल पहले चलते हैं, जब से मैं कंसिस्टेंटली ज़ॉम्बीज पर वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इससे जुड़े फ्यूचर्स में होने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयर कर रहा हूँ। और वाकई में अगर आप लोग का साथ नहीं होता तो मैं अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर पाता। आखिर एट द एंड मैं सर्वाइवल की बात तब बताऊंगा ना जब आप लोग खुद सर्वाइव करने को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन हर चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं, और कई बार आप में से ही कई लोगों ने फेक और झूठा भी कहा। हाँ, ये आप में से ही कुछ के प्यार भरे कमेंट्स हैं, हो सकता है आप भी वैलिडेशन की और प्रूफ की तलाश में होंगे, एंड मेरा भी मन तो कई बार किया कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन हम नहीं रुके, एंड थैंक्स टू ज़ॉम्बी वॉरियर्स हमने काफी मुश्किल से इस नीश जॉनरा में भी 50 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट कर लिया, और अब हमें ऐसी चीज हाथ लग गई है जिसे देखकर सभी लोग ज़ॉम्बीज पर बिलीव करने लग जाएंगे। एंड कल ज़ॉम्बी वायरस के मेनस्ट्रीम मीडिया में आने के बाद से आपके बीच जो भी कंफ्यूजन हो वो भी मैं क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फैला देना। इसलिए चलो अब जानते हैं कि साइबेरिया में क्या कुछ हुआ है, जो वायरस रिसेंटली मिला है क्या उससे वाकई में हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे, साइबेरिया की बर्फ से जो बाहर निकला है वो कितना खतरनाक है और क्या कुछ कर सकता है, और क्यों हमें और आपको अब ज़ॉम्बीज को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। तो साइंटिस्ट ने साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से वायरस रिवाइव किया है, मतलब एक वायरस जो अब अवेकन है एंड अब एक्टिवेटेड है, मतलब कि हमारे आपके सभी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट, और जिसका आउटकम ये था कि कल पूरे दिन ट्विटर पर ज़ॉम्बी वायरस ट्रेंड पर रहा, और जो वैलिडेशन आप लोग ढूंढना चाह रहे थे वो मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी दे दिया कि ज़ॉम्बी वायरस डू एग्जिस्ट। तो अब सब साइंटिस्ट पोटेंशियल खतरों के बारे में जानते थे, तो आखिर ज़ॉम्बी वायरस को उन्होंने क्यों और कैसे रिवाइव किया, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट को इस रिसर्च में क्या कुछ मिला है ये जान लेते हैं। तो फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ यूरोपियन रिसर्चर्स अपने डेली रूटीन में रशिया के साइबेरिया रीजन की परमाफ्रॉस्ट से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे टू ट्रेस कि वो बर्फ वहाँ कितने साल पुराने हैं और इसके एंशियंट सैंपल्स में क्या कुछ मिलता है, एंड बस इसके बाद ही साइंटिस्ट को 13 न्यू पैथोजेंस और ज़ॉम्बी वायरस मिले। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ कुछ वायरस हैं जो बाहर आए हैं, इसके जैसे और भी कई वायरस अभी भी बर्फ में दफन हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि साइंटिस्ट खुद भी इसको लेकर काफी चिंतित है। तो आखिर हम क्यों ना हो, साइंटिस्ट ने वार्निंग दे दी है कि एटमॉस्फेरिक वार्मिंग से अगर क्लाइमेट चेंज होता है और बर्फ पिघल जाएगा तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कई वायरस हो सकता है एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से बाकी स्पीसीज को भी इन्फेक्ट करने लग जाएं, जिसके बाद ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन जाएगा। अब जैसा कि बच्चा जानता है कि एंसेंट वायरस के साथ छेड़छाड़ करना कितना टेरिबल आइडिया है, तो साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि साइंटिस्ट ने कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में वायरस को रिवाइव किया है ताकि रिस्क कम से कम हो, और जहां तक बात है कि ऐसा करने की वजह क्या थी, तो ये रिसर्चेस हमें और भी इस जैसे फ्यूचर में आने वाले वायरस से फाइट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मतलब कि साइंटिस्ट को पता है आगे बहुत कुछ डेडली आने वाला है। साइंटिस्ट को ये जो 13 ज़ॉम्बी वायरसेस मिले हैं इसमें काफी डिफरेंट टाइप के वैरायटीज हैं, इसमें से सबसे यंग वायरस 27,000 साल पुराना है और सबसे बड़ा वायरस पेंडोरा वायरस येडो में रशिया के यकूतिया के लेक में मिला है जो कि 48,500 साल पुराना है, और इन रिवाइव किए गए एंशियंट वायरस को पेंडोरा वायरस और जायंट वायरस कहा जाता है। सरप्राइजिंगली इतनी सालों से कुल्फी जमे होने के बावजूद ये वायरस अभी भी इन्फेक्शियस है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इस वायरस को रिवाइव करने से लेकर अभी रिसर्च करने के बीच
कोई अनहोनी नहीं हुई है। अब देखो, जब कोई अनहोनी और प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम ये वीडियो ही क्यों बना रहे हैं। तो उसे जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमें अभी यूनाइट होना है ताकि हम फ्यूचर में आने वाले एपोकलिप्स से मिलकर लड़ सकें। और ज़ॉम्बी वॉरियर्स, अगर अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि अब जो भी क्विक अपडेट्स होंगे मैं एज क्विक एज पॉसिबल वहीं पर अपडेट करूंगा। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही नहीं, आगे कोई भी कैटास्ट्रोफी में हम साथ रहेंगे। खैर, अब जानते हैं कि आखिर जब अभी तक कुछ इन्फेक्शन नहीं फैला तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इस बड़े इंसिडेंट के बारे में अवेयर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ऐसे अपडेटेड रहने के लिए ट्विटर वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, और अगर कुछ लोग करते हो तो जाओ मुझे भी फॉलो कर लेना। और दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि हमें अगर वर्ल्ड कप को जीतना होता है तो हम उसकी तैयारी पहले से शुरू करते हैं, तो इस जैसे क्रूशियल सिचुएशन में हम हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, तो इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। तो इसलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है कि आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। वो हर एक जरूरी स्टेप्स जिसमें आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स सबको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हो, वो सारी वीडियोस बनी हुई है, तो आप जाओ चैनल को एक्सप्लोर करो। वैसे इसके अलावा आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि इसे सीरियसली मत लो, ये ओल्ड न्यूज़ है। ऐसी ही सेम न्यूज़ 2014 में भी आई थी। तो रुको जरा, मुझे भी ये बात कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि ऐसे वायरस मिलने के इंसिडेंट दो बार ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, एक बार 2014 में और दूसरा 2015 में। लेकिन तीनों के बीच कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों काफी ज्यादा अलग हैं। साल 2014 में जो ज़ॉम्बी वायरस मिला था वो अभी तक के सबसे जायंट वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम पाइथोवायरस साइबेरिकम है। वहीं साल 2015 में जो वायरस मिला वो मौली वायरस साइबेरिकम है, जो 30,000 साल पुराने सैंपल से मिला था। और ये दोनों ही वायरस सिर्फ खोजे गए हैं, जगाए नहीं गए थे। लेकिन अब जो 2022 में ज़ॉम्बी वायरस मिला है वो पेंडोरा वायरस जीन से आता है, और इसमें कई सारे करीब 13 तरह के ज़ॉम्बी वायरस मिले हैं, और जिन्हें लैब में रिवाइव भी कर दिया गया है, मींस दे ब्रॉट बैक टू लाइफ, जो कि काफी चिंता का विषय है। तो होपफुली आप डिटेल में समझ गए होंगे कि हमें क्यों सतर्क रहने की जरूरत है और क्यों आपको इस वीडियो को हर एक फ्रेंड से शेयर करना चाहिए। खैर, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो तो आप खुद भी पढ़ लेना। बाकी एंशियंट वायरस पर रिसर्च पेपर BioRxiv सर्वर में पब्लिश्ड हो चुकी है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। और अब जहाँ तक बात है सर्वाइव करने की, तो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे ये वीडियो शेयर करो और उन्हें भी अवेयर करो। यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, टारगेट 3,000 लाइक्स का है। और अगर आपको उन 2014 में मिले ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और अगर आपको ज़ॉम्बी के रियल लाइफ फुटेज देखने हैं तो राइट साइड वाली वीडियो उसी पर है, जाओ जाकर देख लो। बाय।